नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में मनाया गया पारंपरिक श्री नंद महोत्सव। प्राचीन परंपरा अनुसार किला अंदर स्थित प्राचीन श्री द्वारकाधीश मंदिर में भाद्रपद कृष्ण नवमी 31 अगस्त मंगलवार को सायकाल 4 बजे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जय घोष के साथ दधिखाना महोत्सव का शुभारम्भ हुआ। श्री द्वारकाधीश मंदिर के मुखिया पंडित गिरजेश मिश्र दधि कलश एवं मटकी छेदन छड़ी लेकर धर्माधिकारी कार्यालय स्थित शताब्दी प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर में भजन मंडली के साथ पधारे। श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव की बधाई का गायन एवं आरती के उपरांत मुखिया जी द्वारा मटकी छेदन संपन्न हुआ। तत्पश्चात कीर्तन करते हुए कार्तिक चौक श्री सत्यनारायण मंदिर एवं श्री लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी मंदिर में बधाई गीतों के गायन के साथ मटकी छेदन के उपरांत भजन मंडली पुनः श्री द्वारकाधीश मंदिर में पहुंची, जहां बधाई गायन एवं आरती के साथ प्रसाद वितरण संपन्न हुआ। डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी, आज हम वेंकटेश बालाजी मंदिर के उपस्थित बालाजी मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हैं। यह मंदिर 200 साल से भी प्राचीन है, द्वि शताब्दी प्राचीन यह मंदिर है और यह मंदिर वेंकटेश बालाजी मंदिर के नाम से प्रख्यात है। तिरुपति बालाजी की परंपरा में यह मंदिर विदिशा में स्थापित है और यहाँ की परंपराएं बहुत प्राचीन हैं, बहुत ही अनोखी हैं यहाँ की परंपराएं। और उन्हीं परंपराओं का एक हिस्सा है यहाँ का दधिखाना महोत्सव, जो आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इस परंपरा में जन्माष्टमी के अगले दिन दधिखाना महोत्सव विदिशा में मनाया जाता है। और इस महोत्सव के अंतर्गत सबसे पहले विदिशा स्थित प्राचीन श्री द्वारकाधीश मंदिर में दधिखाना महोत्सव की बधाइयाँ की जाती हैं और फिर वहाँ से यह चल समारोह के रूप में ये आता है धर्माधिकारी कार्यालय, जहाँ पर श्री राधा कृष्ण मंदिर में दधिखाना महोत्सव बधाइयों के उपरांत मनाया जाता है और फिर यह चल समारोह श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में आकर श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर में आकर मटकी का छेदन करता है और अंत में यह वेंकटेश बालाजी मंदिर में आकर यह चल समारोह एक मेले के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर मटकी का छेदन बधाइयों के उपरांत किया जाता है। और अब यह बधाइयाँ, जिनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, यह बधाइयाँ बहुत प्राचीन हैं, स्वलिखित हैं और 100 से भी अधिक वर्ष प्राचीन हैं। इन बधाइयों का गायन करने वाले पारंपरिक लोग हैं, जो कि यहीं पर रहते हैं, यहीं के सामान्य लोग हैं और इन बधाइयों का बड़ी सुंदर धुन में बड़े ही सुंदर तरीके से गायन करते हैं। यह बधाइयाँ एकादशी पर्यंत चलेंगी और अलग अलग मंदिरों में इन बधाइयों का गायन किया जाएगा। अभी हम श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर में श्री बालाजी का दर्शन करेंगे। यह बालाजी की प्रतिमा बड़ी ही मनोरम है, बड़ी ही सुंदर है। यह प्रतिमा जो है यह शालिग्राम शिला से बनाई गई है। शालिग्राम शिला से निर्मित यह विश्व प्रतिमा है, जो कि बड़ी ही प्राचीन और सुंदर है। शताब्दी प्राचीन महान ऐतिहासिक श्री लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी के मंदिर पर आज नंद महोत्सव का आयोजन हुआ। भगवान लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी का यह मंदिर लगभग 200 वर्ष प्राचीन है। इस मंदिर पर प्रतिवर्ष नंद महोत्सव का आयोजन, दधिखाना मेले का आयोजन होता है। श्री द्वारकाधीश मंदिर से भजन मंडली का चल समारोह नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का जय घोष करते हुए दधि कलश और मटकी छेदन की छड़ी को लेकर के धर्माधिकारी कार्यालय स्थित प्राचीन श्री राधा कृष्ण के मंदिर में बधाई का गायन करके और मटकी का छेदन करते हैं। तत्पश्चात ये भजन मंडली कार्तिक चौक में श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर में परंपरानुसार बधाई गायन करके मटकी का छेदन करते हैं। इसके पश्चात भजन कीर्तन करते हुए की जय जयकार करते हुए वेंकटेश बालाजी के मंदिर पर भजन मंडली का पदार्पण होता है।
वर्षों से ये आयोजन श्री बालाजी के मंदिर पर। आज हम विदिशा स्थित प्राचीन श्री द्वारकाधीश मंदिर में हैं। यहाँ की परंपराएं, यहाँ की पूजन परंपराएं बिल्कुल वही है जो द्वारका में स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में है। उस तरह से यहाँ पर पूजन और भगवान की सेवा की जाती है। हम बात करेंगे यहाँ के मुखिया जी से और जानेंगे यहाँ की परंपराओं के बारे में, यहाँ के लदीखाना महोत्सव के बारे में। मुखिया जी, द्वारकाधीश मंदिर विदिशा का है, अति प्राचीन 500 साल से ऊपर का प्राचीन मंदिर है। यहाँ जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ का लदीखाना बहुत ही प्राचीन है। पंडित श्री धर्माधिकारी देवेंद्र प्रसाद जी शास्त्री द्वारा ये बधाइयों का पूरा कार्यक्रम संचालित किया जाता था। द्वारकाधीश मंदिर से ही पूरा कार्यक्रम निकाला जाता था। वो अपना है ना कृष्ण सर चौराहे होते हुए सत्यनारायण मंदिर, फिर इसके बाद बालाजी मंदिर होते हुए बांध पर आरती मट्टी छेदन के बाद वापस है ना द्वारकाधीश मंदिर आता था और पूरा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न। की श्री सनातन हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री पंडित अतुल तिवारी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी दधिखाना महोत्सव के बारे में जानना चाहेंगे। प्राचीन परंपराओं का निर्वहन इस प्रकार से वर्तमान में किया जा रहा है, उसका एक अप्रतिम उदाहरण हमारे इस मंदिर में जहां हम बैठे हैं द्वारकाधीश भगवान के में तो देखने को मिलता है। और अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो ये मंदिर कम और घर ज्यादा लग रहा है। मुगल काल में ऐसी परिस्थितियां थी कि हम लोग घरों में ही छुपाकर भगवान की पूजन करते थे, मंदिरों में पूजन नहीं कर पाते थे। उन्हीं परिस्थितियों वर्ष 500 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण, जैसा कि आदरणीय धर्माधिकारी जी ने बताया कि 500 वर्ष पूर्व ये मंदिर बनाया गया था, यहाँ द्वारकाधीश भगवान की स्थापना की गई थी और उसी समय से यहाँ परम्परागत रूप से भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है, मटकी छेदन भी किया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर से बधाइयां गाकर धर्माधिकारी जी के घर जाते हैं, वहाँ पर बधाइयाँ होती हैं, इसके बाद सत्यनारायण मंदिर पर बधाइयाँ होती हैं और बालाजी मंदिर पर जाकर मटकी छेदन कर एक मेले के रूप में वहाँ पर अच्छा उत्सव मनाया जाता है मटकी छेदन का, और वहाँ बधाइयाँ गाकर वापस फिर द्वारकाधीश मंदिर में आकर ये कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि धर्माधिकारी पूर्व धर्माधिकारी जी जो हमारे कैलाशवासी पंडित भोज प्रसाद शास्त्री जी थे, उनके पिताजी द्वारा लिखित हस्तलिखित बधाइयाँ जो बर्रू की कलम से लिखी गई उस जमाने में वैसी प्राचीन परंपरा में। आज हम हैं पंडित श्री रवि चतुर्वेदी जी के साथ जो कि वेंकटेश बालाजी मंदिर के पंडा जी भी हैं, पुजारी जी भी हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये परंपरा कितनी प्राचीन है और इस परंपरा को कब से किस तरह से मनाया जाता है। ये मंडली के मार्गदर्शक भी है, भजन गायन मंडली हमारी जो है जिसमें बधाइयाँ की जाती हैं उसमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, पूरा मार्गदर्शन इनका होता है। हम जानना चाहेंगे इस परंपरा के बारे में, आप हमें कुछ बताएं। देखिए हम तो जो है बचपन से ये जानना है हमने कि विगत 200 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है भगवान वेंकटेश बालाजी महाराज के मंदिर में भुजरियों से लेकर और जन्माष्टमी तक बधाइयों का कार्यक्रम होता है। और दधिखाना जो है विगत 200 वर्षों से ये परंपरा हम देखते हैं। हमारे पास ऐसा जानकारी है कि विगत 200 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और हमारे विदिशा के पूर्व धर्माधिकारी पंडित उमा शंकर जी जो है वृंदावन गए और वहां सर जो है बहुत सारी बधाइयां। यद्यपि वल्लभाचार्य जी के यहाँ जो अष्टछाप कवि थे उन्होंने एक जैसे सूरदास जी ने 3000 बधाइयों का पदों का गायन किया है, परंतु उन्होंने उसमें से छांट के मार्मिक बधाइयां जो हृदय स्पर्शी बधाइयां हैं भगवान की आनंद कंद की आनंदमय बधाइयां हैं उनको छांट कर लिख के लाए और यहाँ पर जो है फिर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके बाद बीच में कोई अंतराल रहा होगा तो किसी कारण वो कार्यक्रम बीच में रुक गया। फिर इसके बाद पुनः मेरे पिता श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी पंडा जी ने वो उन बधाइयों में से बधाइयों की एक और प्रति बनाई और ऐसा उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व काल में एक पेड़े में से चार चार पेड़े करके और बधाई पूरी समाज को बनाकर और जो बधाइयों का कार्यक्रम
ये विगत 100 वर्ष से चल रहा है। तो इस तरह हमारे पास हमारी बधाइयों का 200 वर्ष का रिकॉर्ड है, 200 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। और हम हमारे जितने भी नवयुवक हैं हमारे साथ, हमारे समाज के वृद्ध जन हैं, वो सभी मिलकर बड़े आनंदमय और बधाइयों का आनंद करते हैं। प्राचीन श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर में हम कैसे जानना चाहेंगे इस परंपरा के बारे में, परंपरा के बारे में बताएं, जो जन्माष्टमी का ये पर्व यहाँ से प्रारंभ होता है, यहाँ से प्रारंभ होते हैं।